Good morning children, welcome to all in your maths class. Today we will do again chapter 11, metric unit. Yesterday we learned unit of length. Today we will do practice zone 1 of chapter 11. So let's start. Convert the following units of length into meter. Following units of length into meter. अब ये जो आपका क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर ई, जो ये क्वेश्चंस हैं, अब इनमें जो है जो ये लेंथ की यूनिट्स लिखी हुई हैं, इनको आपको कन्वर्ट करना है किसमें? मीटर में. किसमें कन्वर्ट करना है? मीटर में. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? 33 सेंटीमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर. अब है कन्वर्ट 15 हेक्टोमीटर इनटू मीटर. क्वेश्चन नंबर सी कन्वर्ट 11 डेकामीटर. अब डेकामीटर डीएम का मतलब क्या होगा? डेकामीटर इनटू मीटर. कन्वर्ट 42 हेक्टोमीटर इनटू मीटर. क्वेश्चन नंबर ई 26 कन्वर्ट 26 डेकामीटर इनटू मीटर. तो आपको सबको इन्हें किसमें कन्वर्ट करना है? मीटर में कन्वर्ट करना है. अब आपको मैंने कल कहा था कि आपको यूनिट ऑफ लेंथ लर्न करनी है. लर्न करने का तरीका भी मैंने बता दिया था. तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट यूनिट ऑफ लेंथ. सबसे पहले मेक अ टेबल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहां से स्टार्ट करेंगे? मिलीमीटर. मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, मीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका, डेकामीटर, हेक्टोमीटर एंड किलोमीटर. किलोमीटर, किलोमीटर द बिगर यूनिट ऑफ द लेंथ. फिर देखिए किलोमीटर जब हम किलोमीटर को किसमें कन्वर्ट करेंगे? हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 10. हेक्टोमीटर को डेकामीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 10. डेकामीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 10. तो देखिए व्हेन वी कन्वर्ट हायर यूनिट इनटू लोअर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 10. तो अब यहां पर आपका ये किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये क्या दिया हुआ है? हायर यूनिट टू लोअर यूनिट. अब हमें क्वेश्चन नंबर ए कन्वर्ट 33 किलोमीटर इनटू मीटर. इसमें कन्वर्ट करना है? मीटर में कन्वर्ट करना है. तो क्या देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट यूनिट ऑफ लेंथ. तो ये देखिए 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी मीटर. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी मीटर. तो देखिए यहाँ किलोमीटर है तो देखिए 1, 10, 2, 10, 3, 10. तो ये देखिए 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. अब हमें अगर यहाँ देखते हैं 10 मल्टीप्लाई, अब 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं, 10 मल्टीप्लाई
मतलब इनटू लोअर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 10। तो मल्टीप्लाई बाय 10, तो अब यहाँ देखिए 10, जितने भी 10 हैं, अगर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर तक आपको जितने भी 10 है उन्हें काउंट करना है, 110, 210, 310, तो 1 के बाद 3 जीरो राइट कर दोगे। तो अब ये देखिए, ये आपका शॉर्ट तरीका। तो ये देखिए, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 33 किलोमीटर इज इक्वल टू 33 मल्टीप्लाई बाय 1000, क्या है ये मीटर। मीटर इज इक्वल टू 33, मैंने बताया था आपको 33 का 33 आएगा एज इट इज, और जितने भी 1000 में जीरो है उतनी आगे जीरो राइट करोगे आप, तो ये क्या बन जाएगा 33,000 मीटर। 33 किलोमीटर इज इक्वल टू 33,000 मीटर। क्वेश्चन नंबर बी, कन्वर्ट 15 हेक्टोमीटर इनटू मीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट यूनिट ऑफ मास, 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर। यहाँ आपका हेक्टोमीटर लिखा हुआ है, 10 काउंट करेंगे 1-2 मीटर, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 100 मीटर। 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, 15 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 1500 मीटर, 1500 मीटर। तो देखिए 15 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 1500 मीटर। क्वेश्चन नंबर सी, कन्वर्ट 11 डेकामीटर इनटू मीटर। 1 डेकामीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, 1 डेकामीटर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 10 मीटर, 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। तो अभी देखिए, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उससे पहले आपको जो भी उसकी यूनिट है वो जरूर लिखनी होगी, इट इज क्लियर। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हेल्प के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें यूनिट ऑफ लेंथ लर्न है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द टेबल ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ, टेबल यूनिट ऑफ लेंथ, और उसके बाद आपको जो ये यूनिट्स हैं वो लिखनी होंगी और उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, 11 डेकामीटर इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 10 मीटर इज इक्वल टू 11 जीरो, तो ये देखिए 110। 11 डेकामीटर इज इक्वल टू 110 मीटर, 110 मीटर। तो ये थे, ये आपको सॉल्व करने हैं। तो ये देखिए, तो मैंने अभी बताया वैन भी वी विल कन्वर्ट हायर यूनिट टू लोअर यूनिट, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये देखिए, मल्टीप्लाई बाय 10, तो जितनी भी हैं आपको 10 से मल्टीप्लाई करके आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर डी और ई, दिस इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर बी, कन्वर्ट दी फॉलोइंग यूनिट्स इनटू गिवन यूनिट्स। पहले देखिए क्वेश्चन नंबर ए, 15 मीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी डेसीमीटर। डीएम का मतलब क्या होगा, डेसीमीटर।
यानी कि 15 मीटर में कितने डेसीमीटर होंगे? तो ये देखिए, 15 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी डेसीमीटर? तो देखिए, 1 मीटर इज इक्वल टू मीटर, और ये डेसीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर, 1 मल्टीप्लाई बाय 10, तो कितने हुए, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर, 15 मीटर इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 150 डेसीमीटर, तो 15 मीटर इज इक्वल टू 150 डेसीमीटर। क्वेश्चन नंबर बी, 68 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर? एमएम का मीन्स क्या है? मिलीमीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू मीटर, अब यहां क्या लिखा है, मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है मीटर को, तो देखिए 10 मल्टीप्लाई 10 100, 100 मल्टीप्लाई 10 1000, तो देखिए 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। 68 मीटर इज इक्वल टू 68 मल्टीप्लाई बाय 1000 मिलीमीटर इज इक्वल टू 68000 मिलीमीटर। देखिए 68 मीटर इज इक्वल टू 68000 मिलीमीटर, तो यहां आप क्या फिल कर सकते हैं, 68000 मिलीमीटर, और यहाँ 15 मीटर इज इक्वल टू 150 डेसीमीटर। इट इज क्लियर? और ये देखिए, ऐसे ही आपको मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है, यहाँ मीटर को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और 74 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? क्वेश्चन नंबर सी एंड डी, दिस इज योर होमवर्क। तो ये था आपका प्रैक्टिस जोन 1। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल। थैंक यू। If have you any problem, please contact me.